हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन LDCE क्लासेस। सर कैंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साउथर्न रेलवे के पालघाट डिवीजन में हुए स्टेशन मास्टर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 13 सितंबर 2022 को हुआ है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टेशन मास्टर के एग्जाम में जो डिपार्टमेंटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल क्लास स्टेशन। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, SWR फॉर स्पेशल क्लास स्टेशन नीड अप्रूवल ऑफ CRS। कहता है विशेष श्रेणी के स्टेशनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ जो कथन दिए गए हैं इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, जिसमें कहा गया कि विशेष श्रेणी के जो स्टेशन होते हैं उसके लिए SWR में जो है CRS का अप्रूवल होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, ये SWR का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, CRS का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और CRS का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एज पर GRS विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर ए ट्रेन। Here four options have been given, friends. You give the answer of this question in the comment box. Question I repeat, as per GRS, which of the following is or are a train? यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से बताना है कौन सा ट्रेन है, जैसे टावर वैगन है, पुश ट्रॉली है, BCM मशीन है या मेमो है, इसमें से कौन सा ट्रेन है आप इसका आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन डबल येल्लो इन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल कम डिस्टेंस सिग्नल इंडिकेट्स। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, व्हेन ब्लॉक सेक्शन अहेड इज क्लियर द ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू वाया लूप लाइन। कहता है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल सा जो दुरुस्त सिग्नल में डबल येल्लो लाइट का क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। जब आगे ब्लॉक सेक्शन क्लियर होता है तो ट्रेन को लूप लाइन से गुजरना है, यह येल्लो डबल येल्लो लाइट इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच आर द फ्लोइंग आर द स्टॉप सिग्नल फॉर अप्रोचिंग ट्रेन। Here four options has been given. According to option, your answer will be option C, outer signal and home signal. कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आने वाली ट्रेनों के लिए जो है स्टॉप सिग्नल का काम करता है, तो वो आउटर सिग्नल करता है और होम सिग्नल करता है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच आर द फ्लोइंग आर सब्सिडियरी सिग्नल्स। Here four options has been given. According to option, your answer will be option C, संटिंग सिग्नल एंड कॉलिंग ऑन सिग्नल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक सिग्नल है, कौन सा सब्सिडियरी सिग्नल है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार जो संटिंग सिग्नल है और कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होते हैं ये सब्सिडियरी सिग्नल होते हैं, इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्टेशन मास्टर शैल नॉट गिव परमिशन टू टेक सिग्नल ऑफ फॉर ए ट्रेन अनटिल। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, when the line over which the train is to pass is clear and free from obstruction, second one, all training points over which the train will pass are correctly set, option C, all facing points over which the train will pass are correctly set and locked, your answer will be all the above, 1, 2, and 3. कहता है कि स्टेशन मास्टर एक ट्रेन के लिए ऑफ सिग्नल लेने की अनुमति नहीं देगा, कब तक, जब तक जिस लाइन पर ट्रेन को गुजरना है वो क्लियर और अवरोध से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है कि जितने भी ट्रेलिंग पॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है सही ढंग से सेट होना चाहिए। तीसरा है कि जिस फेसिंग पॉइंट से गाड़ी को गुजरना है, ट्रेन को जाना है, वो सभी सेट और लॉक होना चाहिए। ये सभी के सभी जब इंश्योर कर लेता है स्टेशन मास्टर, तभी जो है सिग्नल ऑफ स्थिति में भी जो है ट्रेन को आगे जाने की अनुमति दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जितने हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं आप इसे एक एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल स्टेशन मास्टर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, द रिटन ऑथोरिटी टू पास द इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल एट ऑन शैल बी इन द फॉर्म। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी नन ऑफ द अबव।
कहता है कि ऑन पर इंटरमीडिएट जो ब्लॉक स्टॉप सिग्नल होते हैं उसको पास करने के लिए जो लिखित ऑथोरिटी होता है वो कौन सा फॉर्म है। ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। आप इसका आंसर जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोको पायलट शैल नॉट पास ए रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल एट ऑन और डिफेक्टिव इफ। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिटेन परमिशन फ्रॉम द स्टेशन मास्टर इन रियर विदाउट प्रोसीड हैंड सिग्नल एट फुट ऑफ डिफेक्टिव सिग्नल। कहता है लोको पायलट ऑन या दोषपूर्ण पर रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल पास नहीं करेगा, कब तक, जब तक जो है दोषपूर्ण सिग्नल के फुट पर आगे बढ़ने वाले हस्त सिग्नल के बिना पीछे स्टेशन मास्टर से लिखित अनुमति न मिला हो तब तक। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब है। आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन, जनरली अधिकांश क्वेश्चन अभी तक जो है सिग्नल वगैरह से ही पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एवर इंजन पुशिंग ए ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एवर इंजन पुशिंग ए ट्रेन, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, गार्ड कैन ट्रेवल इन एनी व्हीकल। कहता है कि जब जब भी इंजन ट्रेन को धक्का देता है तो उस कंडीशन में गार्ड किसी भी वाहन में यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन गुड्स स्टॉक इज अटैच टू पैसेंजर ट्रेन आफ्टर ड्यूली सर्टिफाइड फिट बाय द ट्रेन एग्जामिनर टू रन ऑन पैसेंजर ट्रेन, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्पीड नॉट टू एक्सीड 75 km/h ऑन ब्रॉड गेज। कहता है कि जब यात्री गाड़ियों में माल का स्टॉक संलग्न किया जाता है, अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ट्रेन परीक्षक जो होते हैं, ट्रेन जो एग्जामिनर होते हैं, उनके द्वारा विधिवत प्रमाणित फिट होने के बाद यात्री ट्रेनों में चलाने के लिए जो स्पीड होता है वो ब्रॉड गेज पे 75 km/h की रफ्तार से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सब्सिडियरी रूल SR 4.19 विच इज नॉट ए प्रेस्क्राइब्ड इक्विपमेंट्स फॉर गार्ड्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। कहता है सब्सिडियरी रूल 4.19 के अनुसार जो गार्ड के लिए निर्धारित उपकरण नहीं हो, कौन सा नहीं है, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट विसिल ऑफ इंजन इंडिकेट्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, गार्ड टू अप्लाई ब्रेक्स। जब लोको पायलट द्वारा शॉर्ट विसिल बार बार बजाया जा रहा हो तो ये इंडिकेशन होता है कि गार्ड जो है ब्रेक को लगाएं। देखिए विसिल कोड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विसिल कोड पर भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्ग विसिल शॉर्ट विसिल ऑफ इंजन इंडिकेट्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, कॉल फॉर गार्ड टू कम टू इंजन। अगर लोको पायलट द्वारा लंबा सीटी फिर छोटा सीटी बजाया जा रहा हो तो यह इंडिकेशन देता है, यह बताता है कि गार्ड को इंजन पे बुलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्ग विसिल शॉर्ट विसिल ऑफ इंजन इंडिकेट्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ट्रेन पार्टिंग। कहता है जब लोको पायलट द्वारा एक लंबी सीटी, एक छोटी सीटी, फिर लंबी सीटी, फिर छोटी सीटी बजाया जा रहा हो, यह इंडिकेशन देता है कि ट्रेन पार्टिंग हो गया है, ट्रेन टूट गया है। क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्ट विसिल लॉन्ग विसिल ऑफ इंजन इंडिकेट्स, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, अलार्म चेन पुल्ड। कहता है जब एक लोको पायलट द्वारा छोटी सीटी ठीक है, इंजन की लंबी सीटी इंगित करता है
कि कोई जो है अलार्म चेन खींची गई है, मतलब वो चेन खींचा गया, अलार्म चेन जो खींचा गया उसका ये इंडिकेशन देता है। इसे देख सकते हैं कि विसिल कोड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे विसिल कोड से रिलेटेड हम वीडियोज बनाए हुए हैं। आप सर कैंड्रोन LDCE क्लासेस यूट्यूब माध्यम से आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस एग्जाम में जो विसिल कोड से पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लॉन्ग विसिल ऑफ इंजन इंडिकेट्स, अगेन विसिल कोड का क्वेश्चन है। फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। कहता है लंबी सीटी इंजन की लंबी सीटी इंगित क्या करता है, जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विसिल बोर्ड W बार L प्रोवाइडेड एट हियर, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑन द अप्रोचेज ऑफ ऑल द अनमैंड लेवल क्रॉसिंग। कहता है कि सिटी बोर्ड जो होता है W बार L कहाँ दिया जाता है, तो कहता है जितने भी सभी जो मानव रहित संपार जो गेटे होती हैं, संपार जो होती है वहाँ पे जो पहुँचने का जो मार्ग होता है वहीं पे ये बोर्डें दी जाती हैं, ताकि जो है लोको पायलट को पता चल सके और वो विसिल जो है बजा सके, ठीक है। तो विसिल कोड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ई एक्ट इज ए सिस्टम फॉर हियर, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इन वार्ड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेट टर्मिनल। कहता है ई एक्ट सिस्टम एक प्रणाली है, क्या चीज़ का प्रणाली है भाई, तो कहता है फ्रेट टर्मिनलों का आवक प्रबंधन है, मतलब इनवार्ड मैनेजमेंट जो है फ्रेट टर्मिनल का उसका है ये, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, पंक्चुअलिटी इज कैलकुलेटेड बाई हियर, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। कहता है कि पंक्चुअलिटी जो होता है कैलकुलेट किया जाता है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर रिसेप्शन ऑफ ए ट्रेन ऑन एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन SM मैंडेटरीली शुड इंश्योर, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑल द पॉइंट्स ओवर विच द ट्रेन हैज टू पास आर कलेक्टली सेट एंड द फेसिंग पॉइंट्स लॉक्ड। कहता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे, बाधित लाइन पे ट्रेन की प्राप्ति के लिए, ट्रेन को रिसीव करने के लिए स्टेशन मास्टर को जो है पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है सेट होना चाहिए, और जो फेसिंग पॉइंट्स हैं वो लॉक भी होना चाहिए, तभी जो है हम ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे ट्रेन को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, और आप इसे एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ऑल लाइंस इन ए स्टेशन आर ऑक्यूपाइड बाय पैसेंजर ट्रेन्स फॉर गिविंग लाइन क्लियर द पॉइंट्स मे बी सेट फॉर द लूप लाइन ऑक्यूपाइड विथ, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, लूप लाइन ऑक्यूपाइड बाई ए ट्रेन हुज इंजन इज फेसिंग द इनकमिंग ट्रेन। कहता है किसी स्टेशन की सभी लाइनों पर यात्री ट्रेनें खड़ी हो, मतलब उस पर ऑक्यूपाई की हो पैसेंजर ट्रेनें, तो लाइन को क्लियर करने के लिए लूप लाइन के लिए जो पॉइंट निर्धारित किए जा सकते हैं वो कैसा होगा भाई, जिसका आंसर जो होगा 21 का बी होगा, मतलब लूप लाइन पर एक ट्रेन का अभिग्रहण है जिसका इंजन आने वाली ट्रेन के सम्मुख होना चाहिए, मतलब लूप लाइन ऑक्यूपाइड बाय ए ट्रेन हुज इंजन इज फेसिंग द इनकमिंग ट्रेन। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब कि जितने भी हमारे पास स्टडी मटेरियल्स हैं, नोट्स हैं, उसको डीपली रीड करना पड़ेगा, डीपली उस पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, तभी जो है हम एक नए कैडर, नए पोस्ट, नए अपने रिजल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर सेंडिंग ए रिलीफ ट्रेन इनटू एन ऑक्यूपाइड ब्लॉक सेक्शन द अथॉरिटी टू बी इशूड, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी,
TBRA 602 कहता है कि अभिग्रहित जो ब्लॉक सेक्शन में एक राहत ट्रेन रिलीफ ट्रेन भेजने के लिए जो जारी किया गया अथॉरिटी होता है वो क्या है, TBRA 602 होता है। तो अथॉरिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी अथॉरिटीज हैं वो सब के सब जो है हमें याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिलेक्शन लेना है तो अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हार्ड लेबर करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडीज करना पड़ेगा, तभी जो एक पोस्ट आप एक नए कैडर को ले सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग टेम्पोरली सिंगल लाइन वॉकिंग ऑन डबल लाइन व्हेन वन लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड इफ ट्रेन गोइंग इन द राइट लाइन, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। द LSS ऑफ द स्टेशन इज रियरर शैल बी एट ऑन, सेकेंड वन द अप्रोच स्टॉप सिग्नल ऑफ स्टेशन इन एडवांस मे बी टेकन ऑफ। कहता है कि डबल लाइन पर काम करने वाली अस्थायी सिग्नल लाइन के दौरान जब एक लाइन बाधित होती है, अगर ट्रेन सही लाइन में जा रही हो तब क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा कि पीछे स्टेशन पर LSS ऑन पर होगा, दूसरा क्या होगा, आगे के स्टेशन के अप्रोच स्टॉप सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर दोनों का सी होगा, इसका आंसर ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेशन मास्टर एट द स्टेशन इन एडवांस शैल इमीडिएटली एडवाइज द स्टेशन इन रियरर एंड द कंट्रोल इफ ए गुड्स ट्रेन डज नॉट अराइव विद इन हाउ मेनी मिनट्स ऑफ इट्स नॉर्मल रनिंग टाइम, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 मिनट्स। कहता है यदि कोई मालगाड़ी अपने सामान्य चलने के समय के 20 मिनट के भीतर नहीं आती है तो आगे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर जो होते हैं तुरंत पीछे के स्टेशन और जो कंट्रोलर होते हैं उसको ये सूचना देते हैं। ठीक है, कि 20 मिनट के अंदर में गाड़ी नहीं है, भाई गुड्स ट्रेन अभी तक 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक आया मेरे स्टेशन पे नहीं है, यह इन्फॉर्मेशन पीछे वाले स्टेशन और कंट्रोलर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग बेल कोड स्ट्रोक 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 पॉज स्ट्रोक स्ट्रोक इंडिकेट्स, फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कहता है ब्लॉक उपकरण में घंटी कोड के बारे में स्ट्रोक 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 विराम स्ट्रोक स्ट्रोक इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। देखिए अब बेल कोड पर भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, विसिल कोड पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप सरकंड्रोन LDCE क्लासेस YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि जितने भी हम लोग अभी 25 जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ है पालगा डिवीजन में, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अधिकांश आपको विसिल कोड से सिग्नल वगैरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रोन LDCE क्लासेस।